रफल आलम स्वागत है एपिसोड ऑफ बॉलीवुड दिस वीक। मोहम्मद मावर अंसारी आप सभी लोगों का एस एस राजमौली जूनियर एनटीआर रामचरण की फिल्म ट्रिपल आर के डे नंबर 5 के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन प्रेडिक्शन ऑडियंस ऑक्यूपेंसी एंड शो काउंट एपिसोड में तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूँ। क्या हो रहा है मेरा भाई? परफॉर्मेंस आज का दिन बहुत ही जबरदस्त रहा, स्पेशली हिंदी वर्जन के लिए, क्योंकि गाइस हिंदी वर्जन रुकने का नाम नहीं ले रहा। ये फिर से वही कहानी रिपीट कर रहा है जो पुष्पा ने रिपीट की थी, जो साहू ने रिपीट की थी, जो बाहुबली 2 ने रिपीट की थी। द हिंदी वर्जन्स आर गोना बी ह्यूज, ह्यूमंगस कलेक्शन वाइज, एंड आने वाले पैन इंडिया फिल्म्स को ये बात दिमाग में रखनी पड़ेगी कि हिंदी वर्जन पे कॉन्सेंट्रेट कीजिए, क्योंकि अगर हिंदी में क्लिक हुआ तो आपका कलेक्शन जो 300-350 होने वाला था वो कहीं ना कहीं 600 करोड़ हो सकता है, क्योंकि हिंदी वर्जन इज एब्सोल्युटली गोल्ड। आज के एपिसोड शुरू करने से पहले एक रिविजन हो जाए कि एग्जैक्टली जो कलेक्शंस थे, यानी कि अब तक के हिंदी वर्जन में कितने थे। बट फ्रेंड्स 3 दिनों में इस फिल्म ने ऑब्वियसली फ्राइडे 19, सैटरडे 24, संडे 31.50 करोड़ कमाए थे, एंड मंडे को सबको सरप्राइज करते हुए 17 करोड़ कमाते हुए अब ये फिल्म 91.50 करोड़ पर है। तो आज कितना कलेक्शन आ सकता है 17 से? द फिल्म हैज शोन एब्सोल्युटली मिनिमल ड्रॉप, मैक्स टू मैक्स 10% का ड्रॉप दिखाया है इस फिल्म ने, एंड ये फिल्म कहीं ना कहीं आज 15 से लेकर 16 करोड़ कमाते हुए दिखाई दे रही है। एंड अगर गाइज ये 16 करोड़ कमा देती है 107.50 करोड़ ये कमा लेगी 5 दिनों में हिंदी वर्जन में। एंड अब ये कहना बहुत ही सेफ होगा कि जब तक KGF चैप्टर 2 नहीं आती, डिस्पाइट अटैक कमिंग, देखिए गाइस अटैक के लिए बहुत लोग पूछ रहे हैं, अटैक की एडवांस बुकिंग नहीं शुरू हुई है, आपको बोलने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, जैसे एडवांस बुकिंग शुरू हो जाएगी एपिसोड आ जाएगा, इसलिए एपिसोड नहीं बना रहा क्योंकि अटैक्स एडवांस बुकिंग हैज नॉट बिगन येट। फिल्म कितनी भी अच्छी हो उसको एडवांस बुकिंग करना बहुत ही जरूरी होता है। कल अब वेडनेसडे का दिन है एंड कल से आई थिंक एडवांस बुकिंग शुरू हो जाना चाहिए। यस, एक दो जगह इक्का दुक्का शोज मिले हैं, तो आई थिंक अटैक के मेकर्स को अब उठना पड़ेगा, एंड अटैक वाले भी पेन वाले हैं, तो ट्रिपल आर वाले ही है उन लोग, तो अब उनको अपनी जो एडवांस बुकिंग है वो वेडनेसडे को कैसे भी शुरू करनी ही पड़ेगी, यानी कि कल के दिन। ओके, चलिए आज के एपिसोड आगे बढ़ाते हैं। तो अब 5 दिन में ये फिल्म कहीं ना कहीं 107 से 107.50 करोड़ कमाएगी एंड 200 करोड़ की हकदार हो जाएगी। पर फ्रेंड्स सुबह मैंने आपको कहा था किस तरह से आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना का जो ग्रॉस था वो था कहीं 29.60 एंड उसका नेट था 17.76। नेट कलेक्शन उसका था 25.10 करोड़, 17.76 वॉज द शेयर ऑफ द आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना रीजन। ओके गाइस, सो नेट कलेक्शन हिंदी का 17 करोड़ था एंड आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना से जो नेट कलेक्शन आया था वो था 25.10। तो अभी भी जो नेट कलेक्शन है हिंदी का वो कम है, आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना उससे ज्यादा कमा रहा है, लेकिन आने वाले समय में नेक्स्ट वीक मिलेंगे हम लोग जहां पर हिंदी कलेक्शन डेफिनेटली नेट में ऊपर जाएगा। चलिए गाइस आज के एपिसोड आगे बढ़ाते हैं। डे 1 233 करोड़, डे 2 133, डे 3 144 एंड डे 4 71.8। ट्रिपल आर इज राइट नाउ स्टैंडिंग एट 572 करोड़ वर्ल्ड वाइड। अगर हम बात करेंगे इसके डे नंबर 5 के बारे में, तो ऑब्वियसली हिंदी में कहीं ना कहीं 15 से 16 करोड़ कमाएगी, तो ग्रॉस तकरीबन 18 करोड़ का पकड़ लीजिए। आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना में ये फिल्म कहीं ना कहीं 27 to 28 करोड़ का ग्रॉस कमाएगी, नेट एंड शेयर में हर एपिसोड में जैसे आएगा अगले दिन वो बताऊंगा। तो गाइज अब कर्नाटका एंड तमिलनाडु में तकरीबन 7 करोड़ कमाएगी, केरला आज भी बंद था तो कोई कलेक्शन नहीं आएगा, ओवरसीज 10, तो कहीं ना कहीं डे नंबर 5 पे ये फिल्म 63 to 65 करोड़ कमाएगी, जो कि सुपर सॉलिड फिगर होगा। चौथा दिन 72 करोड़ था, पांचवा दिन 63 to 65, ऑसम कह सकता हूं इन कलेक्शंस को। एंड अगर ये एटलीस्ट 63 करोड़ कमाती है देन ब्रेस योरसेल्फ फॉर 600 करोड़ क्लब में एंटर कर लेगी, यानी कि 5 दिनों में ट्रिपल आर पूरे विश्व भर में 635 करोड़ रुपीस कमा लेगी, जो अपने आप में ही अद्भुत और अविश्वसनीय होगा। चलेगा आज का एपिसोड आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि आज की जो ऑक्यूपेंसीज है वो माइंड ब्लोइंग है, आप सबके होश उड़ जाएंगे। मैं हिंदी की बात करूं तो गाइस देखिए गुजरात,
यूपी, ओडिशा, राजस्थान, बिहार, ये सारी जगहों पर ये फिल्म धमाकेदार कलेक्शन कर रही है। स्पेशली मुंबई में भी बहुत जबरदस्त चल रही है। तो ये सारे के सारे जो इलाके हैं वो इसको मदद कर रहे हैं इतनी फाड़ कलेक्शंस करने के लिए। फिर हम बात करेंगे नॉर्थ अमेरिका की टेरिटरी, जहां पर ट्रिपल आर एक अद्भुत रिकॉर्ड बना रहा है। नॉर्थ अमेरिका यानी कि यूएसए प्लस कैनेडा, जिसे हम नॉर्थ अमेरिका कहते हैं, वहां बाहुबली टू द कंक्लूजन राज कर रहा है। उसने 22 मिलियन कमाए थे। दंगल ने लगभग 12.4 मिलियन, पद्मावत लगभग 12.17, पीके ने 10.62 एंड फिफ्थ नंबर पर ट्रिपल आर आ गई है। ऑलमोस्ट 10 क्या 11 मिलियन होने आ रहा है। एंड गाइस जब ऑफिशियली आएगा तब ये पीके का रिकॉर्ड जो तोड़ देगा एंड फोर्थ हाईएस्ट फिल्म बन जाएगी। इससे पहले बाहुबली 1 ऑलमोस्ट 8.5, बजरंगी भाईजान ऑलमोस्ट 8.19, धूम 3, संजू, बाजीराव मस्तानी, 3 इडियट, सुल्तान, टाइगर जिंदा है 2.0, गली बॉय, इन सारी फिल्मों ने नॉर्थ अमेरिका टेरिटरीज पर राज किया है। एंड दीज हैव ग्रॉस्ड, ऑल दीज फिल्म्स हैव ग्रॉस्ड अबाउट 7-9 मिलियन। तो गाइज ये सब बॉक्स ऑफिस रूलर्स है। यहाँ पर ऑब्वियसली ट्रिपल आर एंड बाहुबली दोनों SS राजमौली की फिल्में राज कर रही है, अलॉन्ग विथ आमिर मामू, सलमान भाई एंड संजू। ऑल दीज फिल्म्स इंक्लूडिंग पद्मावत मैसिव। नॉर्थ अमेरिका पूरा का पूरा इन लोगों ने कॉन्कर कर दिया है। अगर हम बात करेंगे इसके तेलुगु 2D वर्जन की, तेलुगु 2D वर्जन ओपन फैंटास्टिकली। मॉर्निंग शोज 29% है, आफ्टरनून 37%, इवनिंग 58% एंड नाइट शोज 70%। यानी कल से लेके आज तेलुगु वर्जन में कोई ड्रॉप दिखाई नहीं दे रहा है। इसलिए मैं आपको कहा है आंध्र प्रदेश तेलंगाना एकदम फ्लैट है, ना गिर रहा है ना बढ़ रहा है, एकदम स्टेडी चल रहा है। हैदराबाद 810 शोज में 68% ऑक्यूपेंसी, बेंगलुरु 454 शोज में 30%। यानी कि ये अब कंफर्म हो चुका है कि ट्रिपल आर इज नॉट 3-day फ्लुक, यानी कि सिर्फ 3 दिन नहीं, आने वाले समय में भी ये बहुत चलेगी। अगला वीकेंड हिंदी वर्जन मार्क माय वर्ड्स चिक्कार पैसा कमाएगा। डिस्पाइट अटैक इंक्लूडिंग द तेलुगु वर्जन विल डू सुपर बिजनेस। चेन्नई 59 शोज 55% ऑक्यूपेंसी, विजयवाड़ा लो 176 शोज 58% ऑक्यूपेंसी, लुक एट वरंगल 50 शोज 70% ऑक्यूपेंसी, गुंटूर यहां पर 63 शोज 65% ऑक्यूपेंसी, वाइजैग 238 शोज 75% ऑक्यूपेंसी, दिल्ली NCR तेलुगु शोज इन दिल्ली NCR 40 शोज 25% ऑक्यूपेंसी, तेलुगु शोज इन मुंबई 65 शोज में 38% ऑक्यूपेंसी, ब्रिलियंट। करीम नगर 18 शोज 68% ऑक्यूपेंसी, महबूब नगर 12 शोज 65% ऑक्यूपेंसी एंड गाइस काकीनाडा 42 शोज में 90% ऑक्यूपेंसी। यानी कि तेलुगु वर्जन जो है ये रुकने का नाम नहीं ले रहा, ये बहुत ही स्टेडीली चल रहा है। अब हिंदी 2D की बात करते हैं कि हिंदी में क्यों इतना बवाल मचा हुआ है। ट्यूजडे को भी पिक्चर 15-16 करोड़ रुपए कमा रही है क्योंकि इसकी ऑक्यूपेंसी बाप लेवल की है। मॉर्निंग शोज 18%, आफ्टरनून 27, इवनिंग 38 एंड नाइट के शोज 45% में चल रहे हैं। मुंबई में 524 शोज में 28% ऑक्यूपेंसी, दिल्ली NCR में 510 शोज में 47% ऑक्यूपेंसी, पुणे 35% ऑक्यूपेंसी, बैंगलोर देखो तुम लोग 65 शोज में 75% ऑक्यूपेंसी, हैदराबाद में 57 शोज में 38% ऑक्यूपेंसी, कोलकाता में 157 शोज में 39% ऑक्यूपेंसी एंड लुक एट अहमदाबाद 338 शोज में 48% ऑक्यूपेंसी। चेन्नई इज ब्रिलियंट, 19 शोज 69% ऑक्यूपेंसी, सूरत में तो फुल जलसा चल रहा है 190 शोज में 49% ऑक्यूपेंसी, चंडीगढ़ में 88 शोज में 34% ऑक्यूपेंसी। द ऑक्यूपेंसी ऑफ द 2D हिंदी एंड 2D तेलुगु इज फैंटास्टिक। एंड अगर डाउट हो रहा है तमिल 2D भी रुकने का नाम नहीं ले रहा, तमिल 2D चेन्नई में 180 शोज में 39% ऑक्यूपेंसी, बैंगलोर तमिल 2D 40 शोज में 38% ऑक्यूपेंसी, पौंडीचेरी में 12 शोज में 55% ऑक्यूपेंसी एंड उसके बाद डिंडीगुल की बात करूं 39%, कोच्ची में 58, त्रिची में 39 एंड मुंबई में तमिल शोज जो है 5 शोज है लेकिन 58% ऑक्यूपेंसी पर चल रहे हैं। यानी कि 2D वर्जन तो धमाल कर ही रहे हैं लेकिन 3D वर्जन अब ब्रिलियंट। तेलुगु 3D अभी रात को फिलहाल 68% लेकर चल रहा है। हैदराबाद में 18 में से 17 शोज हाउसफुल थे, बेंगलुरु में 3D शोज 105 में से 48% ऑक्यूपेंसी है, चेन्नई में 79 3D शोज में 58% ऑक्यूपेंसी है, हाइट्स तो गुंटूर में हुई 4 में से 4 3D शो हाउसफुल थे, करीमनगर 4 में से 3 शोज हाउसफुल थे। बात करूंगा इस तिरुपति की, 20 शोज में से 88% ऑक्यूपेंसी थी। यानी कि दिस फिल्म इज रियली टेकन ऑफ। मुझे डर लग रहा है अगले वीकेंड में ये फिल्म क्या बवाल करेगी, इतना ही काफी नहीं था। हिंदी 3D इज ब्रिलियंट।
रात के शोज हिंदी 3D वर्जन में 49% लेकर चल रहे हैं। लुक एट मुंबई 262 शोज में 39% ऑक्यूपेंसी, दिल्ली NCR 313 शोज में 58% ऑक्यूपेंसी, बैंगलोर में 10 हिंदी 3D है 10 के 10 फुल है, कोलकाता में 113 शोज में 49% ऑक्यूपेंसी, अहमदाबाद 57, चेन्नई 68, लुक एट जयपुर 59%। दिस फिल्म इज नॉट स्टॉपिंग, ये कल जितना ही कलेक्शन कर रही है, लेट्स सी अगर रात सस्टेन हुआ तो शायद ये फिल्म पांचवें दिन पर भी 70 करोड़ वर्ल्ड वाइड कमा सकती है। ओके गाइस, लेकिन माय प्रेडिक्शन फॉर द फिफ्थ डे इज 63 to 65 करोड़ एंड हिंदी में है प्रेडिक्शन 15 से 16 करोड़। ओके गाइस, तो कल मिलेंगे इसके ऑफिशियल कलेक्शंस के साथ। आई होप गाइस RRR के एपिसोड आप सभी लोगों को पसंद आ रहे हैं। एपिसोड अगर पसंद आ रहे हैं तो लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन दबाइए RRR के एपिसोड नहीं मिस करने के लिए। एज ऑलवेज से स्टे कूल मान।